विभागों के बंटवारे पर सस्पेंस। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम मोहन यादव, शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की जाएगी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुलाकात के बाद विभागों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लगाते नजर आने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर है, जहां देर रात सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए, आज दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात करेंगे और मुलाकात कर विभागों के बंटवारों को लेकर चर्चा आज संभव बताई जा रही है। और उसके बाद ऐलान किया जाएगा कि आखिर किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाना। इसी के चलते आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं। तो ये दौरा कई मायनों में अहम है, न सिर्फ विभागों को लेकर बात की जाएगी बल्कि और भी ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज हाईकमान से चर्चा करते नजर आने वाले हैं। लेकिन खास बात ये ही कि रात जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे के लिए रवाना हुए, तभी से ये अटकलें तेज हो गई थी कि आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है, क्योंकि बंटवारे को लेकर ही आज सीएम मोहन यादव हाईकमान से मुलाकात करते नजर आने वाले हैं। तो बता दें कि एमपी में हाल ही में 28 विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली है और शपथ लेने के बाद अब विभागों का बंटवारा किया जाएगा। भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, अभी हाल ही में 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन अब विधायकों के जो कि मंत्री बन चुके हैं, अब विभागों का बंटवारा होगा, तो क्या कहा जाए कि जल्द ही ये भी सस्पेंस अब खत्म हो जाएगा विभागों को लेकर? देखिए अलीशा, ये कह सकते हैं कि सोमवार को मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, यानी 5 दिन हो गए, आज का दिन मिला दिया जाए तो, और इन्हीं सबके बीच ये कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर इसको लेकर एक्सरसाइज चल रही है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए। दिल्ली से लेकर भोपाल तक के बैठकों का दौर चल रहा है, अलग अलग समूहों में नेताओं की मुलाकात हो रही है और इन सबके बीच जो जानकारी निकलकर सामने आई, देर रात को कभी करीब 9 बजे के आसपास दिल्ली रवाना हुए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और उनका तय कार्यक्रम नहीं था, अचानक से वो प्राइवेट जेट से दिल्ली रवाना हुए हैं। और बताया जा रहा है कल देर रात को भी मुलाकात हुई बड़े नेताओं से और सुबह भी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है इसके अंदर अलीशा, दौरे से पहले मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री हितानंद शर्मा से उनकी मुलाकात हुई है। पहले उनकी मुलाकात बीजेपी कार्यालय में होनी थी, लेकिन उसके बाद तय किया गया कि वह उनके घर जाकर फिर डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात करी। मुलाकात के बाद वह सीधे दिल्ली के लिए रवाना हुए, यानी ये कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से तमाम एक्सरसाइज इस वक्त की जा रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, लेकिन जब विभाग बटे तो किसी तरीके की नाराजगी देखने को नहीं मिले, क्योंकि हमने देखा था जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो उस वक्त वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव का एक ट्वीट सामने आया था और उसके बाद उन्होंने ट्वीट को ये कह सकते हैं कि एडिट भी किया, लेकिन जब तक वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो इन तमाम चीजों को लेकर कोशिश की जा रही है कि किसी भी नेता की नाराजगी नजर ना आए और सभी का इस बात का ध्यान रखा जाए कि वरिष्ठता के आधार पर सभी को पोर्टफोलियो दिया जाए, क्योंकि पिछले कैबिनेट से बात की जाए और इस कैबिनेट की तुलना की जाए तो वरिष्ठ और युवा दोनों का मिश्रण नजर आता है, लेकिन वरिष्ठता की बात की जाए तो पिछले कैबिनेट से ज्यादा इस बार की कैबिनेट में वरिष्ठ है, क्योंकि इसके अंदर राकेश सिंह जो मध्य प्रदेश की सियासत में कभी भी नहीं रहे हैं, इसके अलावा प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय तो रहे हैं, लेकिन वो भी दिल्ली की सियासत में पिछले 9 साल से सक्रिय थे। तो ये 3-4 बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो चुनाव जीते हैं, इनको दिल्ली से मध्य प्रदेश भेजा गया, अब इन्होंने मंत्रिमंडल की शपथ भी ली है, मंत्री भी बनाया गया, तो अब इनको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए, इन्हीं तमाम चीजों को लेकर मंथन और रणनीति बनाई जा रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश में विभागों का बंटवारा हो जाए, लेकिन सस्पेंस जो बरकरार है उसमें अभी थोड़ा सा और समय लगेगा खत्म होने में। अलीशा, बिल्कुल, देखने वाली बात यही होगी कि आखिर कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। शब्बीर।